हेलो एवरीवन, मैं हूं संगीता और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ में ना ही कोई डांस वीडियो शेयर करने वाली हूं और ना ही कोई स्टेप्स बताने वाली हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक सूट को आप कैसे अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास में एक सिंगल सूट है जिसपे थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ है, उसे आप कैसे अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं जिससे कि लगे कि आपने हर बार नया सूट पहना है। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सिंगल कलर का येलो कलर का सूट पहना हुआ है जिसके ऊपर पूरे सूट में सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है। एकदम प्लेन सूट नहीं है ये, इस पे काफी वर्क किया हुआ है। अगर आपके पास में भी इसी तरीके का कोई सूट है तो उसे आप किस तरीके से आइडियाज लगा के किस तरीके से उसे हर बार नए तरीके से पहन सकते हैं, तो आपको इस वीडियो से काफी आइडिया मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये जो सूट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पर्पल कलर की ओढ़नी ओढ़ी हुई है। ये जो पर्पल कलर की ओढ़नी है इस पे भी आप देख सकते हैं पल्लू पे वर्क किया हुआ है। ये जो ओढ़नी है ये मैंने इसी सूट के साथ में ली है ताकि अगर मुझे इस सूट को हैवी करके पहनना हो, यानी अगर किसी फंक्शन में पहनना हो, तो उसे मैं इस ओढ़नी के साथ में मैच करके पहन सकूं। तो ये जो पर्पल कलर की ओढ़नी है ये एक प्योर की ओढ़नी है और आप देख सकते हैं येलो के साथ में कितने अच्छे तरीके से मैच हो रही है। और इस ओढ़नी की वजह से ये पूरा सूट जो है एकदम हैवी लग रहा है, और अगर आप इसे किसी भी फंक्शन में पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा और हैवी लुक आता है। और अगर आपको इस तरीके की ओढ़नी कहीं पे भी मान लो मार्केट में नहीं मिलती है इस तरीके की हैवी ओढ़नी, तो आप क्या आइडिया कर सकते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये येलो कलर के सूट को मैच करते हुए यहाँ पे मैंने एक येलो कलर की ओढ़नी ली है। आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर की ओढ़नी है इसकी बॉर्डर जो है ब्लू कलर की है और लेस जो है मैंने येलो कलर की लगाई है ताकि ये येलो कलर की जो लेस है ब्लू के साथ में अलग से उठ करके आए। ये जो येलो कलर की ओढ़नी है आप चाहें तो इस तरह की ओढ़नी भी मार्केट से ले सकते हैं, जहां पे भी इस तरीके के सूट मिलते हैं वहां पे आप बोल सकते हैं कि आपको अलग से इस तरीके की प्लेन ओढ़नी चाहिए। ये आप चाहें तो अलग किसी भी मटेरियल में ले सकते हैं, लेकिन मेरी जो ओढ़नी है वो है जापानी टोरे की। अगर आप मार्केट में यहाँ पे भी सूट मिलते हैं आप शॉप वाले को बोलते हैं कि आपको जापानी टोरे में चाहिए, तो आप इस तरीके की ओढ़नी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ही सूट के साथ में मैंने दो कलर की ओढ़नी ली हुई है। एक तो ये येलो कलर की जापानी टोरे की ओढ़नी जो कि इसे एकदम सिंपल लुक देती है। अगर मुझे इसे कहीं पे भी नॉर्मली पहन के जाना है या फिर मैं चाहती हूँ कि इस सूट को मैं पूरा सिंगल कलर येलो कलर में ही पहनूं, तो मैं ये वाली ओढ़नी यहाँ पे ओढ़ सकती हूँ। और अगर मुझे कोई फंक्शन में जाना है इस सूट को हैवी लुक देना है, तो वो जो प्योर की ओढ़नी है पर्पल कलर की वो इसे हैवी लुक देगी। अभी मैंने आपको बताया था कि सूट के साथ में मैच करते हुए अगर आपको कोई भी प्योर की हैवी ओढ़नी मार्केट में नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में कोई भी हैवी प्योर की पोशाक है, या फिर आपके पास में हाफ प्योर की पोशाक है, या फिर पोशाक ना होकर के सिर्फ आपके पास में जोड़ ओढ़नी है, तो भी आप उसकी ओढ़नी को इस तरीके से मैच करते हुए पहन सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओढ़नी इसके साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से मैच होती है। तो इस तरीके से आप भी अपने कोई भी पोशाक की ओढ़नी है या फिर जोड़ की ओढ़नी है उसे अपने सूट के साथ में अगर सेम कलर में मैच हो रही है तो सेम कलर में बना सकते हैं, या फिर अगर कॉन्ट्रास्ट में मैच हो रही है तो आप इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट में मैच करते हुए पहन सकते हैं, और ऐसे आप अपने सूट को हैवी बना सकते हैं। साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर के सूट के साथ में ये ब्लू कलर की ओढ़नी भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैच होती है। और ये जो ब्लू कलर की ओढ़नी है ये भी मेरी एक पोशाक की ही ओढ़नी है, तो यहाँ पे मैं आपको इसीलिए मैच करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एक ही सूट के साथ में आप किस तरीके से ऐसे अलग अलग तरह की ओढ़नी को मैच करके आप हर बार इस सूट को नया बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पचरंगी कलर की ओढ़नी है वो भी इसके साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से मैच होती है, तो अगर आपके पास में पचरंगी कलर की ओढ़नी है तो आप उसे भी इसी तरीके से मैच करके पहन सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास में एक पचरंगी कलर की पोशाक है तो उस पोशाक की ओढ़नी को मैंने इसके साथ में मैच किया हुआ है, और अगर आपके पास में भी पोशाक है पचरंगी तो आप इसी तरीके से ओढ़नी को काफी कलर के साथ में मैच करके पहन सकते हैं।
इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कलर की ओढ़नी भी इस येलो सूट के साथ में काफी अच्छे तरीके से मैच हो रही है। आप भी इसी तरीके से मैच कर सकते हैं। ये जो ओढ़नी है ये मेरी एक जोड़ की ओढ़नी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ओढ़नी के पल्लू में येलो वर्क है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस सूट के साथ में मैच हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लहरिया है इस सूट के साथ में कितने अच्छे तरीके से मैच हो रहा है, क्योंकि इस लहरिया में येलो कलर भी है तो इसी की वजह से ये अच्छे से मैच हो जाता है। अगर आपके पास में भी इसी तरीके का कोई लहरिया है तो आप उसे भी इस तरीके से सूट के साथ में मैच करके पहन सकते हैं। वैसे ये जो लहरिया है ये मैंने किसी और सूट के साथ में लिया था, तो इस तरह का लहरिया आपके पास में भी जरूर सही होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लहरिये में जितने भी कलर्स हैं उतने कलर्स के सूट के साथ में ये लहरिया बहुत ही अच्छे तरीके से मैच हो जाता है और आपके सूट को एकदम डिफरेंट और अलग लुक देता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तरीके से आप भी एक ही सूट के साथ में अलग अलग कलर की ओढ़नी को मैच करके पहन सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से ओढ़नी को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में कोई भी पोशाक है जिसकी ओढ़नी आपके सूट के साथ में अच्छे से मैच होती है तो आप उसे इस तरीके से मैच करके पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज अपने इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।